गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे पे में कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम ACIO ग्रेड सेकेंड का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो MHA की वेबसाइट पे जाएंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। और 20 डेज प्लान, क्या 20 दिन में ACIO ग्रेड सेकेंड का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया जा सकता है? तो मेरा आंसर है कि यस, 20 डेज भी सफिशियंट हैं अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहेंगे तो। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको रीड करना है। और इस 20 दिन में अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से झोंकते हैं इस तैयारी में, इस युद्ध के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप इस युद्ध में विजयी होंगे। इसके लिए आपको जो सेक्शंस कवर करना है, 4 सेक्शन ही है, 25-25 क्वेश्चन आने हैं। तो एप्टीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ में, जनरल इंग्लिश में इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। इसको आपको थारोली पढ़ना है। अगर आपकी कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एप्टीट्यूड सबसे पहले बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम को आप कंप्लीट करेंगे। बुक्स आपके पास RS अग्रवाल की बुक होगी या फिर मेडिजी पब्लिकेशन की रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड करके बुक आती है, उस बुक से, उन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक से आप रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है कि कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट है एवरेज, इसको बोलते हैं हिंदी में औसत, इसको इंग्लिश में और दूसरे नाम से जाना जाता है, मीन। थर्ड है आपका रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट करके ही जाएंगे। तीन जो टॉपिक इस आपको एग्जाम बैटल में जो काम आएंगे वो है परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज, प्रतिशतता जिसको हिंदी में कहते हैं, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज के साथ कंजिक्यूटिव वे में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों को आप लगातार तैयार करेंगे। टाइम एंड वर्क, समय एवं काम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्रोग्रेशन में अगर मैं देखूं तो इसमें आपको केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, ये दो तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी है, और आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में इसके सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों टॉपिक को जब आप कवर करेंगे बुक से, इन दोनों को एक साथ करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट रीजनिंग, रीजनिंग में आपको क्या कवर करना है, रीजनिंग का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको जो कवर करना है इम्पॉर्टेंट रूप से जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लड रिलेशन। सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस, क्यूब एंड डाइसिस इम्पॉर्टेंट है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर है, क्यूब एंड डाइसिस। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पाई एंड बार ग्राफ या डायग्राम, ये जो पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट में। लॉजिकल वेन डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ऑड मैन आउट, इसमें तीन चार दिए होंगे, चार में से एक आपका विषम होगा, बाकी सब एक एक ही एनालॉजी को फॉलो करेंगे लेकिन एक कोई उसमें से डिफरेंस होगा, उसमें से एक को आपको सही का आंसर टिक लगाना रहेगा।
अब आता है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जनरल अवेयरनेस में जनरल स्टडीज जो स्टैटिक पार्ट है, करेंट अफेयर्स जो डायनामिक पार्ट है, इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है। ये कहां से कंप्लीट करेंगे आप? समरी ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक्स 6th to 12th स्टैंडर्ड की जो बुक हुए एनसीईआरटी की, उनको आपको कंप्लीट करना है। आपको इसके लिए रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, मैं अपने चैनल में चैनल पे समरी डेली का अपलोड कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री, ये दो दिनों में लगभग पूरी समरी यहां पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं यहां पे अपलोड करूंगा जो विश्व का इतिहास है वो, इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये चारों जो सेक्शन हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की जो 6th से 12th समरी है यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं और आप यहां पे कवर करेंगे। करेंट अफेयर्स लास्ट के 8 मंथ का करेंट अफेयर्स, ये खुद आप कहीं से कलेक्ट करें और इसको जरूर रीड करके जाएंगे। इसमें आपको ध्यान कहां देना है, जो स्कीम्स लाइक एज स्किल इंडिया स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय की कोई स्कीम है या एलईडी से रिलेटेड कोई स्कीम है, एलपीजी स्कीम है, तो इनसे रिलेटेड जो स्कीम है उनको जरूर ध्यान रखेंगे, या डिसेबल पर्सन से रिलेटेड जो स्कीम है इनको जरूर आप याद करके जाएंगे, ये आप खुद करेंगे। जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है जनरल स्टडीज के लिए, वो मैं कंप्लीट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, समरी ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक 6th to 12th क्लास, ये ऑलमोस्ट फिनिश मैं कर दूंगा आपको। 10 तारीख से पहले तक ये पूरी समरी अपलोड हो जाएगी इस चैनल पे, हाई वाकर के चैनल पे। नेक्स्ट वन जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस वैसे देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसमें आपको क्या कवर करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंपोजिशन, इंटरजंक्शन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह की चीजों को आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड, आर्टिकल ए एन डी का प्रयोग कहां होता है, टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जरूर करके जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम ये आना ही आना है, और एक जो रह गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहां पे आप ऐड कर लेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप करके जाएंगे। इस तरह से आपका ACIO जो ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एग्जाम होने जा रहा है 15 अक्टूबर को, आई होप कि आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, दिल्ली जोन के अलावा शायद सभी जोन का आ चुका है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से लग गए होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब एडमिट कार्ड आता है तभी लोग अवेयर होते हैं, और अभी भी टाइम है, आज 22nd है, आपका एग्जाम है 15 अक्टूबर को, मैं इसको लेके चल रहा हूं ओनली 20 डेज, क्योंकि एक दो दिन होता है उस दिन में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अपने ऊपर। 15 को एग्जाम है, आप 12-13 तारीख तक में पूरा सिलेबस जो है फिनिश करके रिलैक्स करेंगे, ताकि आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स रहे और एग्जाम हॉल में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पे बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, वो जनरल स्टडीज भी पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन आप सिर्फ यूट्यूब के बिग चैनल का नाम देखकर ना जाएं। और जो मैं यहां पे एनसीईआरटी की समरी करा रहा हूं वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड समरी है, और यहां से एग्जाम में बहुत कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा अगर आप
रेगुलरली इस चैनल को वॉच करते हैं अप टू 13th-14th अक्टूबर तक। तो एक बार में अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं दोबारा से चैनल को विजिट कर सकते हैं, और जो चीजें आपको नोट करनी है वो चीजें यहां से नोट भी कर सकते हैं। मैं पीडीएफ के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे पीडीएफ लिंक देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड कर रखी है इस चैनल के माध्यम से, और ये चैनल आपके साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप ACIO ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना बन जाएं। अगेन रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, सो दैट कि जब वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके स्मार्टफोन में डायरेक्टली नोटिफिकेशन का लिंक जो है पहुंच जाएगा और इंस्टेंटली आप वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट लेसन में मैं हिस्ट्री का एंशियंट इंडिया का जो पार्ट है उसको लेकर मिलूंगा आपसे, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको मिस नहीं करेंगे, उसको जरूर आप वॉच करेंगे, वहां से एक दो क्वेश्चन बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।